इस प्रयोग में हम प्राकृतिक तरीके से ठंडे होने वाले गर्म पानी के तापमान को नापने वाले हैं। इसके साथ काल बनाम तापमान का आलेख भी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें 250 मिली बीकर तापमापक यंत्र या थर्मामीटर, जिस पर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक अंकित हो, एक घड़ी, बर्नर या स्प्रिट का दिया चाहिए। हम बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसे 100 डिग्री तक गर्म करेंगे। इसके बाद हम बर्नर बंद कर देंगे। अब हम थर्मामीटर की सहायता से तापमान नापेंगे। जब पानी का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तब हर एक मिनट के बाद तापमान नापना आरंभ करेंगे। ये सिलसिला तब तक शुरू रहेगा जब तक पानी सामान्य तापमान तक ना पहुंच जाए। बाद में तापमान बनाम काल का एक आलेख बनाएंगे। निष्कर्ष: पानी के ठंडे होने की गति अधिक होती है जब पानी के तापमान में और माहौल के तापमान में अंतर होता है। ये गति कम हो जाती है जैसे जैसे पानी का तापमान ठंडा होने के कारण कम होता जाता है। इस प्रयोग में हम कुछ एहतियात बरतेंगे। पहली, निरीक्षण लिखने से पूर्व प्रयोगशाला के सारे पंखे बंद है या नहीं ये निश्चित कर लेंगे, और दूसरा, प्रयोग के वक्त घड़ी को निरंतर चलने देंगे, बंद न होने दें।